देना दे, लेकिन मैं मानव का साथ जरूर दूंगी। एक सुपरवाइजर होने के नाते मैं अपने लॉयल वर्कर को जरूर बचाऊंगी। क्या रे, कितनों को टपकाया तूने? हाँ, क्या लफड़ा क्या किया तूने? प्रॉपर्टी का या लड़की उड़की का कोई? मुझे लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। मानव के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। अर्चू, लेकिन भाई प्लीज मुझे मत रो, मैं नहीं रुकूंगी। मैं आती हूँ। मैं यहां तुम्हें समझाने उमझाने बिल्कुल नहीं आया हूं। तुम खुद समझदार हो। सतीश हमारी फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, सबकी गृहस्थी है। अगर हम पुलिस रिकॉर्ड में आ गए तो जाहिर है हमारी सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, तो सैकड़ों मजदूर बेकार होंगे, उनकी गृहस्थी सड़क पर आ जाएगी। सतीश, लाखों घर परिवार हम पर डिपेंड करते, हम हमारा जेल जाना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ये सोचो और बताओ तुम्हारा क्या फैसला है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अर्चना, तुम माना ये तुमने मानव पर हाथ उठाया? किसने अधिकार दिया तुम्हें मानव पर हाथ उठाने का? अरे ओ झांसी की रानी, अपन मारा उसको, उसकी हालत ऐसे नहीं हुई क्या? क्यों मारा तुमने? हाँ, क्या है कि हाथ में बड़ी खुजली हो रही थी और इसके अलावा आसपास कोई हाथ साफ करने वाला था भी नहीं, इसलिए दे दिया ढपाक ढपाक। चलो नीचे का बैठ, ज्यादा मत बैठ। नहीं, मैं इनके लिए खाना लेकर आई हूं। ठीक है, दे दीजिए। मैं मानव के लिए खाना लेकर आई थी। ये सब करके तू क्या जताना चाहती है? तुम लोगों ने मानव को जेल में डालकर जो पाप किया है उसकी भरपाई करना चाहती है। लेकिन ध्यान में रख, चाहे दुनिया तुझे माफ करे, मैं कभी जिंदगी में माफ करने वाली नहीं। निकल निकल। मानव बेटा, इतनी रात को? कैसा बेटा तू? अरे तेरे लिए खाना लेके आई थी, लेकिन बाहर अर्चना के दर्शन हुए, समझ में आया तूने खाना खा लिया है। मानव बेटा, तुझे क्या हो गया? किसने मारा? या पुलिस वाले ने मारा? हाँ, या पुलिस वाले ने मारा क्या? काकी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, हम लोगों ने नहीं मारा, वो अंदर जो गुंडे बैठे हैं उनसे मारपिटाई किया इसने। ये इधर इधर आ। क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी? कैसे लगी पहली सलामी? कैसे लगी? मेरे बच्चे को मारता है? आई आई मस्कर, सुन जाने दे। तुझे छुड़ाने की हम कोशिश कर रहे बेटा, डर मत। मुझे मालूम है मेरा बेटा कई गलत काम नहीं करता। मैं निकलती हूँ बेटा, कल आएंगे हम। हाँ।